हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रहमत के अशरे को क्रॉस करके अब मफ़रत के अशरे में जो है वो आ गए हैं। तो आप सबको दूसरा अशरा जो है वो बहुत 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 मुबारक हो। और आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई दी, कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून डाला ऑयल, और ऑयल को अभी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, क्योंकि मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, वेजिटेबल मैक्रोनी। तो इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को हम अच्छे से तरीके से ना फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें प्याज और ग्रीन चिली ऐड करेंगे। आप लोग देखें कि मेरा जो ज़ीरा है वो हल्का हल्का लाइट जो है वो ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये वाली चीज़ें, ये है जी 2 अदद ग्रीन चिली और 1 अदद प्याज, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और हम जो इसको थोड़ा सा सॉटे होने के लिए छोड़ देंगे। कोई 5 मिनट के लिए सिर्फ सॉटे किया, और अब इसमें ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर। और ये हैं वो तमाम स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे, काले मिर्च, नमक, चाट मसाला और सूखा धनिया। और अगर ये सब चीज़ें ऐड हो जाएं तो कितना मज़ा आएगा। और जो सूखा धनिया वो मैंने उसको ना ज़रा सा किया, वो दरदरा सा पीस लिया ज़्यादा, और मैंने उसको बारीक नहीं किया। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो तमाम वेजिटेबल्स जो मेरे पास अवेलेबल थी, शिमला मिर्च, गाजर और मटर। मटर को जो है वो मैंने उबाल लिया था, क्योंकि मटर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अब हम इसको 5 मिनट पे फ्राई करेंगे। सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका, बिल्कुल थोड़ा सा। रेडी हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वो तमाम वेजिटेबल्स जो मेरे पास अवेलेबल थे। आपके पास भी अगर ये तमाम के अलावा भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे बंद गोभी मेरे पास थी लेकिन मैंने नहीं डाली, मैंने जो वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं वो शिमला मिर्च है, गाजर है और मटर है। मटर को मैंने पहले उबाल लिया था, और अब जो है हमने इसमें डाल दिए हैं वो तमाम वेजिटेबल्स। और अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई किया। अब मैं इसमें जो बॉयल मैक्रोनी है वो ऐड करूँगी, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आप लोग देखेंगे मेरी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैंने मैक्रोनी डालने के बाद भी 5 मिनट के लिए जो है वो अच्छी तरह फ्राई की है। तो आज का जो मेरा मेन्यू है वो मैक्रोनी है और दही भले नहीं है, सॉरी वो है समोसे हैं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। और अभी मैक्रोनी जो है वो मेरी बिल्कुल रेडी स्टेडी हो चुकी है। और अब जो अगली चीज़ बनाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। यहाँ पे जो है समोसे वगैरह मैंने रेडी कर लिए थे, इफ्तारी कुछ मेरे ऊपर से आई है, ये मैक्रोनी है ये मैंने खुद बनाई है, और ये जो है रेशन सैलेड है, ये मुझे मेरी देवरानी ने भेजा है, देखने में तो बहुत ही अमीर लग रहा है। फल वगैरह सारे मैंने काट के रख दिए हैं। समोसे मैंने फ्राई किए हैं, पकोड़े मुझे मेरी देवरानी ने भेजे हैं। और आज का हमारा यही मेन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम वेट करते हैं इफ्तारी का अजान, इफ्तारी की अजान होती है तो फिर रोज़ा इफ्तार करते हैं। मैं भाई ये क्योंकि आज मुझे दुआ करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मेरा कुरान पाक जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैंने कुरान पाक जो है वो ख़त्म कर लिया है। और आज का ब्लॉग भी कुछ इतना ही था। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।